और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को समर्पित किया था। इस बार पर्यावरण दिवस का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकना। वर्ष 1981 में आज ही के दिन एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में 5 पुरुषों में एक नए तरह के निमोनिया के लक्षण पाए गए थे, लेकिन ये निमोनिया नहीं बल्कि एड्स था और एक तरह से यही एड्स की शुरुआत थी। वर्ष 2003 में आज ही के दिन पाकिस्तान और भारत में गर्मी ने भयानक रूप ले लिया था। दोनों ही देशों के कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। वर्ष 1915 में आज ही के दिन डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन करके महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। सन 1910 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखक विलियम सिडनी पोर्टर का निधन हुआ था। उनका पेन नेम ओ हेनरी था। ओ हेनरी की लघु कथाओं को आज भी याद किया जाता है, द गिफ्ट ऑफ द मैगाई, द लास्ट लीफ और द कॉप एंड द एंथम जैसी कहानियां उनकी कुछ क्लासिक रचनाओं में गिनी जाती हैं। आज ही के दिन वर्ष 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर का निधन हुआ था। उन्हें आम तौर पर गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें प्रशिक्षण दिया था और माधव सदाशिव गोलवलकर ने कुछ बेहतरीन किताबें भी लिखी जैसे बंच ऑफ थॉट्स और वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। और 1723 में आज स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और लेखक एडम स्मिथ का जन्म हुआ था। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र पर आधारित पहली किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखने के लिए याद किया जाता है। उनकी इस किताब के आधार पर अर्थव्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत तय हुए थे।